नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों हो जाइए सावधान। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आपको बता दें कि यह आपके लिए संकट की घड़ी है। जी दोस्तों, बस आपसे अनुरोध करेंगे कि दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताने वाले हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिएगा। और शायद दोस्तों, जो गलती आप अपने जीवन में करते आ रहे हैं, जिन गलत लोगों पर आप भरोसा करते आ रहे हैं, उन सभी के भरोसे से आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और शायद दोस्तों सभी दोस्तों के साथ भी आप इन्हें शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम सभी भक्त वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव का आप नारा ज़रूर लगाइएगा। जी दोस्तों, आपके और आपके पूरे परिवार पर भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा रहेगी। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आपके राशि के कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से इस राशि के जो लोग हैं, जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान हैं, जी दोस्तों ब्रह्मांड में विश्व में कुल जितनी भी राशियाँ हैं, समस्त राशियों में से आपकी ही एक राशि इकलौता ऐसी है जिनके पिछले कुछ वर्ष बहुत ही ज़्यादा दुखद बीते हैं और शायद दोस्तों बहुत ही मुसीबतों का सामना भी आपने किए हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे, दोस्तों यश में जो आपकी ग्रहों की उपस्थिति है वह दर्शा रही है कि आज रात 12 बजे से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कुछ लोग करने वाले हैं। यूँ कहें तो दोस्तों आपकी जीवनकाल में संकट आने वाली है। जी दोस्तों, परंतु दोस्तों इस बार जो आपके ऊपर संकट आने वाले हैं, जो मुसीबतें आने वाली है, इनमें आपकी ही गलतियां छुपी हुई दिख रही है। जी दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों आपका नेचर बहुत ही सीधा होता है, बहुत ही सरल स्वभाव के आप लोग होते हैं और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट नहीं रहता है। दोस्तों कभी किसी को लेकर आप बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी को नीचा गिराने के बारे में सोचते हैं और दोस्तों ना ही किसी को पीछे ढकलने के बारे में भी सोचते हैं। परंतु दोस्तों इतने सीधे, इतने अच्छे होने के बावजूद भी इस राशि के जातकों का लाभ पूरा दुनिया उठा रही है और दोस्तों लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाकर अपने जादू में आपको फंसा रहे हैं। यूँ कहें दोस्तों, तांत्रिक क्रिया में आपको फंसा रहे हैं। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, कुछ लोग अपने बातों से ही कुछ ऐसे जादू करते हैं कि दोस्तों आप उनके जाल में फंसते जाते हैं। जी दोस्तों, और इसी के चलते आपके जीवन काल में संकटों का आपको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपके जीवन में छुपे कोई 3 ऐसे लोग हैं जो आज रात 12 बजे से, जी दोस्तों पुनः सुन लीजिए, आपके ही जीवन काल में रहने वाले 3 लोग जो कि आज रात 12 बजे से आपको अपने बातों के जादू में फंसाने वाले हैं। यूँ कहें बातों की ऐसी तांत्रिक क्रिया होगी जैसे आप उनके जाल में फंसने वाले हैं और दोस्तों इस बार कोई बड़ी मुसीबत आपके सर आ सकती है। तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपके राशि के जो भी जातक हैं, आपको 3 गलतियाँ बताने वाले हैं। जिस दिन जिस 3 गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जीवन में बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ही ना दोहराएं। जी दोस्तों, अभी भी आप इन गलतियों को गांठ बांध लें। जी दोस्तों, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे, परंतु आपने जीवन में 3 गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं करेंगे। जी दोस्तों, जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों सर्वप्रथम आपकी गलती आती है सभी को अपना समझने की भूल। जी दोस्तों, इस राशि के जातक सभी को अपना मानते हैं। यह लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखते हैं। आप लोग सोचते हैं कि सभी का विकास एक साथ होना चाहिए। दोस्तों अगर हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आए तो सभी को एक साथ रहकर झेलनी चाहिए। जी दोस्तों, और वहीं दूसरे लोगों की सोच आपके विपरीत होती है। जी दोस्तों, आपको बता दें, आप हमेशा अपने साथियों का, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों का भला चाहते हैं, परिवारों का भला चाहते हैं, उनकी मुसीबतों में आप शामिल रहते हैं, उनके मुसीबतों को भी आप अपने सर ले लेते हैं। परंतु दोस्तों वह लोग केवल केवल आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है,
तो दोस्तों आप देखते हैं कि आपके साथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है। दोस्तों शब दुम दबाकर आपके पास से भाग जाते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको हमारा यह बात सच्चा लग रहा हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी दोस्तों, कि आप कभी अपने जीवन काल में ऐसे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने सर ले लिए हैं, उनके मुसीबतों को आपने बांटा है, परंतु दोस्तों जब आप पर संकट आया तब दोस्तों सब भाग गए। दोस्तों आपको अपने मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ा। इसलिए दोस्तों आप इन सभी बातों को गांठ बांध कर रख लीजिए कि दोस्तों बिना किसी को सोचे, बिना किसी को समझे उनके ऊपर भरोसा और उनकी मदद बिल्कुल ही ना करें। आज से ही आप इनको करना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे तो दोस्तों आपका दुख आपको ही मिलेगा, किसी और इंसान को नहीं मिलेगा। आपको अपना दुख स्वयं ही झेलना पड़ेगा, किसी और को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों आज से आप अपने की सोचें। और दोस्तों आपकी दूसरी गलतियाँ होती है कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं आप जीवन से जुड़े सबसे बड़े महत्वपूर्ण बातों को शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों यह बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस भी इंसान से मिले, चाहे आपसे बार बार मिले हो या फिर बहुत सालों के बाद एक बार मिले हो, लेकिन दोस्तों आप उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप अपने जीवन से जुड़े कुछ भी महत्वपूर्ण बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आपसे मिलते हैं लेकिन दोस्तों आपके सभी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके ऊपर में संकटों का वह ऐसा जाल बिछाते हैं कि दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं। जी दोस्तों, और तीसरी गलती आपके जीवन में यह है कि दोस्तों धन के मामले में किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा ना करें। क्यों दोस्तों, वर्तमान समय में पैसा ही सब कुछ है। जी दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन दोस्तों इस बात पर सच्चाई भी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज के दौर में पैसों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकता है। दोस्तों वही दोस्तों घरों की आज की जो स्थिति है वो आप बता रही है। दोस्तों आज रात 12 बजे से आपके ऊपर कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने वाले हैं, यूँ कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फंसाने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बचना है। जो लोग आपके जीवन काल में आपके पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें। जो भी लोग आपको ऐसे बातों में फंसाना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की आप पहचान करें और ढूंढ ढूंढ कर उनसे अपना संबंध तोड़ दें। जी दोस्तों, और दोस्तों उनसे बात भी करना आप बंद कर दें। इसे दोस्तों आपकी जो मुसीबतें हैं दिन प्रतिदिन घटती जाएंगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में इन्हें रहने देंगे तो दोस्तों दिन पर दिन आपकी जो मुसीबत है उनमें वृद्धि होती जाएगी और दोस्तों आपको इसकी भनक तक नहीं लगेंगी। क्यों दोस्तों, आप इन्हें सच्चे मित्र मानते हैं। आप ऐसे दुश्मनों से पीछा छुटा लीजिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर आपके भी साथ ऐसी घटनाएं हुई है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आप सभी के सभी कमेंट पढ़ते हैं तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यश में किसी भी मुश्किल स्थिति को सोच समझकर तथा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों आध्यात्मिक और फिर धार्मिक कार्यों के प्रति आपका यश में रुझान भी बढ़ेगा। घर में मेहमानों की चहल पहल भी रहेगी तथा आपसी मेल मिलाप सबको खुशी देगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। यश में दूसरों के निजी मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें और ना ही कोई उन्हें सलाह दें, अन्यथा बैठे बिठाए मुसीबत में भी आप पड़ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समझूंगी आपको बता दें कि प्रस्थिति पर वर्चस्व बनाकर रखने के लिए आपको अपने निर्णय पर अटल रहना होगा। संवाद से कुछ बातें सुलझ सकती है, इसलिए सही तरीके से बात करने का ढंग आपको इसमें अपनाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। अपने गुस्से पर यश में आपको काबू करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें विद्यार्थियों की पढ़ाई अथवा करियर संबंधी किसी समस्या का इसमें समाधान भी मिलेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार आप अवश्य करें। इससे दोस्तों आपकी काफ़ी चीज़ें जो है सुनिश्चित होती जाएंगी। इसके उपरांत दोस्तों ध्यान रखें कि किसी नज़दीकी मित्र या फिर पड़ोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान को कोई जिद्दी या फिर अड़ियल रवैया आपके लिए चिंता का कारण भी बनेगा। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको गुस्से के बजाय स्वयं से काम लेना चाहिए। भूमि संबंधी कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद इसमें आप ना करें।
इश्क प्रणाम दोस्तों यशोमय आपके लिए जैसे होंगे। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से आपको कुछ चिंताएं सता रही है, लेकिन उनको दूर करने के प्रयत्न भी यशोमय आपके द्वारा किए जाएंगे। इनकी वजह से परिस्थितियों में आपको बदलाव भी नजर आएगा। दोस्तों यशोमय जीवन शैली को ठीक से बनाकर हर काम को कितना वक्त देना है यह आपको तय करना होगा, जिससे समस्याओं को सुलझाने के लिए आप सफल भी रहेंगे।